हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सकैलट में। तो यहाँ पर दोस्तों बिहार के पशुपालन विभाग में बहुत ही जल्द बम्पर भर्ती यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पर दोस्तों बता दें कि बीएसएससी द्वारा यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 3500 पदों पर इसकी नियुक्ति होगी और ये दोस्तों तत्काल इसके नियुक्ति करने के लिए इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों कब से इसकी वैकेंसीज आएंगी और कब से बहाली होंगी पूरा डिटेल दोस्तों वीडियो में बताने वाला है, तो ज़रूर देखें इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि फ्रेंड्स न्यूज़ नोटिफिकेशन यहाँ पे दैनिक जागरण के 1 फरवरी के न्यूज़पेपर में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका यहाँ पशुपालन विभाग में 3500 पदों पर होगी बहाली। और यहाँ पे दोस्तों कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने ये दोस्तों यहाँ बताया है, जानकारी दी है। दोस्तों क्या है पूरा न्यूज़, आइए हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं आराम से। तो यहाँ पर देख सकते हैं पशुपालन विभाग में 3500 पदों पर बहाली, यहाँ पर देख सकते हैं राज्य ब्यूरो पटना पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए 3500 कर्मियों की तत्काल नियुक्ति का आदेश दिया गया है। यहाँ पर देख सकते सारे पद संविदा पर होंगे, साथ ही साथ नियमित बहाली की प्रक्रिया भी शुरू करने का आदेश दिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपके 3500 के यहाँ पर तत्काल यहाँ पर बहुत ही कमी है, इसके द्वारा यहाँ पर तत्काल बहाली की आदेश यहाँ पर दे दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने शुक्रवार को बामेती में विभाग में समीक्षा के दौरान कहा कि नियमित नियुक्ति के लिए प्रस्ताव तैयार कर बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाए। उन्होंने राज्य में नए पशु चिकित्साएं खोलने के लिए नियमों को भी सरल बनाने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान पदाधिकारियों और कर्मचारियों की कमी के कारण योजनाओं में क्रियान्वयन में परेशानी की बात कही और उन्हें यह भी बताया कि इसके कारण विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित राशि खर्च नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी यहाँ बिहार राज्य से मिलता है यहाँ पे राशि, वो भी दोस्तों खर्च नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे कर्मचारियों की कमी के कारण। और यहाँ पर देख इस पर मंत्री ने पशुपालन निदेशक वीके गुजियाल से संविदा पर बहाली के लिए अविलंब प्रक्रिया शुरू कर देने का निर्देश दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मंत्री ने यहाँ पे निर्देश दे दिया है। समीक्षा के दौरान मंत्री ने बताया कि 20 नए पशु अस्पताल में 12 नए भवन बनाए जा चुके हैं, बाकी 8 पर काम जल्द कराने की पहल की जा रही है। पटना सिटी के श्रीकृष्ण गौशाला और आदर्श गौशाला बनाने की आदेश दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बड़ी अपडेट। और यहाँ पे बता दें कि इसकी बहाली जो है बहुत ही जल्द यानी कि आपका हो सकता है फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले हफ्ता में। और इसका दोस्तों प्रक्रिया जो है यहाँ पे 100% ऐसा लगता है कि ये जो प्रक्रिया है इलेक्शन से पहले आपका पूरा कर दिया जाएगा, पूरा आपका यहाँ पर बहाली हो के आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर बता दें कि क्या कहा जा रहा है, उन्होंने पशुपालन विद्यालय डुमराव और बदहाल में स्थिति नाराजगी जताई और इसके विकास एवं प्रशिक्षण शुरू करने का निर्देश दिया। मंत्री ने कौवों की मौत के भी अधिकारियों को आगाह किया, इस संबंध में किसी प्रकार का अफवाह और भ्रांति दूर किया जाए। और यहाँ पे बैठक के बीएस गुजियाल के अलावा एसके झा, तो दोस्तों ये सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे उन्होंने तत्काल यहाँ पे मंत्री ने यहाँ 3500 नियुक्ति के लिए यहाँ पे कह दिया है संविदा के आधार पर। और दोस्तों नियमित रूप से भी यहाँ पर दोनों ही प्रकार के यहाँ पर बहाली शुरू होने वाली है। तो आज दोस्तों तैयार हो जाएँ, बहुत ही जल्द पशुपालन विभाग में वैकेंसीज आने वाली है। ये दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका 10th भी हो सकता है, 12th भी हो सकता है, हर एक पोस्ट यहाँ पे आने वाले हैं। तो आप दोस्तों तैयार हो जाएं, बहुत ही जल्द आने वाली है। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और भी दोस्तों बिहार से जुड़ी पल पल की लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए।